हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग ट्रिक्स 377। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके SBI जे 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में और उसके शेड्यूल के बारे में कि हमें जो है इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक जो है नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको जो है क्या स्टडी जो है फॉलो करनी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो सके और अच्छे से जो है कैसे प्रिपेयर किया जाए ताकि इस बार हमें ये ना हो कि अगर हम पढ़ लेते तो ये हमारा जो है सिलेक्शन हो जाता। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो एक्सपेक्टेड डेट जो बताई जा रही है SBI क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की, वो आपकी मई के लास्ट में या फिर जो है जून के स्टार्टिंग में 6 जून तक जो है आपके एग्जाम जो है होने की संभावना पूरी पूरी है, जो कि आयो डिजिटल जोन जो भी सेंटर बुक करते हैं SBI वहां से जो है सामने आ रही है। तो ये ऑफिशियली बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में भी कि आपका जो नोटिफिकेशन है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और जो भी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि SBI का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जो नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपके पास जो है हार्डली 20-30 डेज बचते हैं नोटिफिकेशन के बाद, तो उसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है और हम जो है बिल्कुल वीक वाइज स्ट्रेटजी लेकर के चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा डेली वीडियोज में कि आपका जो है डेली का टारगेट क्या रहना चाहिए और कहां से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि SBI का नोटिफिकेशन 100% आएगा और कब तक देखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा पूरी 99% जो उम्मीदें हैं। लेकिन जो अप्रैल में आएगा इसके 100% है, लेकिन फर्स्ट वीक में जो है 99% आपको जो है देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में बात कर लेता हूं कि आपको स्टेट वाइज स्ट्रेटजी कैसे बनानी है इसमें जो आपकी रहेगी वीक वाइज। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका इस वीक का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, वीक जो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 26 से, आप माने 26, 27, 28, 29, 30, 31 और फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक का जो शेड्यूल रहेगा उसमें आपको क्या कंप्लीट करना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको पजल्स कंप्लीट करने हैं। किस चीज की? आपको लीनियर पजल जितनी भी होती है, सर्कुलर पजल और फ्लोर बेस्ड पजल, ये 3 पजल्स के जो आपको सेट ज्यादा से ज्यादा सेट लगाने हैं। हर एक पजल पे आपको 10-10 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको इन सभी के क्वेश्चन चाहिए तो वो मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेलीग्राम के चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है, वहां से आप जो है PDF दे दूंगा, वहां पर मैं आप जो है वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कौन से करने में आपको बताया है? एक फ्लोर बेस्ड पजल के 10 सेट जितने भी रहते हैं, मतलब हर एक सेट में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर आपको 10 पजल बनाने फ्लोर बेस्ड पे, 10 पजल बनाने आपको सर्कुलर पे और 10 बनाने आपको लीनियर पे। लीनियर मतलब है जो लीनियर अरेंजमेंट रहता है, नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग, वो आपको बनानी है 10। तो आपकी 30 पजल्स हो गई रीजनिंग से। इसके अलावा आपको पजल्स के अलावा आपको करना है सिलोइजम पूरा कर लेना है। ठीक है, सिलोइजम पे आपको चाहिए, मुझे चाहिए कम से कम आपके 10+ सेट इसमें होने चाहिए, मतलब आपके 50 क्वेश्चन के अराउंड जो है सिलोइजम के रहेंगे। क्वेश्चन के लिए आप कहीं से भी क्वेश्चन गूगल पर सर्च मार सकते हैं कि सिलोइजम बेस्ड क्वेश्चन या फिर पजल बेस्ड क्वेश्चन, जो भी आपको पजल करनी है, या फिर अगर आपको वहां पे भी अगर आपको सर्च नहीं मारना तो मैं टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर के मार सकते हैं। तो ये मैं रीजनिंग में इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है। क्वालिटी एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है? DI प्रीलिम्स लेवल की, ठीक है, ये आपको 10 सेट इसके लगाने हैं पूरे इस वीक में। मैंने जितना आपको बताया 26 से फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक, ठीक है, 10 सेट्स आपको लगाने DI के प्रीलिम्स लेवल की। फिर आपको जो है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, इनकी क्वेश्चन करने हैं, इसके आपको 50 सेट्स लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना भी टाइम आपको सब इसी को डिवोट करना है, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, तभी जाके इन 3 महीनों में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली गाइडेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, और इन सब की जो है मैं आपको बता दूंगा इसमें कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं YouTube पे इसकी वीडियोस भी लेके आऊंगा, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए आप कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, डेली आपको 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं, द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको जो है जिसमें भी अच्छा लैंग्वेज में आप लगे। ठीक है, तो आपको 2 आर्टिकल पढ़ने हैं इंग्लिश से और इंग्लिश का सेट लगाने हैं। आप कोई टेस्ट सीरीज कोई भी खरीद लीजिए, अड्डा की खरीद लीजिए, ऑली बोर्ड की खरीद लीजिए या फिर प्रैक्टिस मॉक की खरीद लीजिए। ठीक है, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज हो वहां से आपको इंग्लिश के सेट लगाने हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट आपको इंग्लिश के लगा लेने हैं, तो वहां से आपका जो इंग्लिश कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको जो जितने भी क्वेश्चन आपने किए, जितने रॉन्ग हुए, उनका आपको कंसेप्ट सीख लेना, क्योंकि सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी मटेरियल चाहिए, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सारी PDF जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में मैंने आपको बता दिया है, मैथ्स मैथमेटिक्स में आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 50+ क्वेश्चंस, मतलब 50 सेट्स उनके होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपके DI का मैंने बताया 10 सेट आपके DI के रहेंगे, जिसमें 50+ क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे। और रीजनिंग में मैंने बता दिया आपको फ्लोर बेस्ड पजल, सर्कुलर पजल और लीनियर पजल, और साथ में आपको सिलोजम करना है।
तो ये मैंने आपको बता दिया इतना आपको टारगेट पूरा करना है। अगर आपको कोई भी इनमें वीडियो चाहिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर मैं जो है शुरू से इनके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ आपके लिए। अगर आप कहोगे कमेंट में मुझे बता देना कि आपको बेसिक से या फिर अप्रोच सीखनी है तो मैं आपको वो बता दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, जितना मैंने अभी आपको बताया है वो आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वीक आपका इतना चलेगा, कल भी मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपका जो है जितना कंप्लीट हुआ है वो आप कमेंट करके बताइएगा, और एक वीडियो मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊंगा कि फ्लोर बेस्ड पजल कैसे करते हैं उसकी अप्रोच मैं आपको बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और सिंपलीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की भी मैं जो अप्रोच वीडियो लेके आऊंगा कैसे आप शॉर्टकट में उसमें कर सकते हैं। तो आप अभी से जो है तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, वीडियो का आपको वेट नहीं करना है, आपको जितना भी कंसेप्ट है वो उससे आप जो है क्वेश्चन करने शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको जो नोटिफिकेशन है आपका वो फर्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा अप्रैल के, और आपका एग्जाम जो है मई लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपको डेफिनेटली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में, मैंने वहां पर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां पर आप जो है क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।